बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सी। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो लोग के प्रमोट हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर में थे और सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, या आरआईडी में जिन लोगों ने मैट्रिक की हुई थी और आगे एडमिशन लेना चाह रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, या कोई और प्रॉब्लम था वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उनको अभी तक पता नहीं है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है, तो इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल से आपको उन यूनिवर्सिटीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आपके हर एक बात का सवाल जो है आपके माइंड में है वो इसमें वीडियो में मिल सके, ठीक है। तो आपको इस में बताया जाएगा आप बासिन यूनिवर्सिटीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे कि रिसेंट अपने कॉमसेट यूनिवर्सिटी के हवाले से, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से, इस्लामिक इंटर यूनिवर्सिटी के हवाले से और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हवाले से वीडियो बना रहा हूं और बना दी है, अपलोड भी कर दी है, आप नीचे देख सकते हैं। तो उनसे मैं आज यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन आता है वो आपका क्लियर हो, उसके बाद आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, नीचे कमेंट करें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ जिसका आज खास मकसद है आप बासिन यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाएं, आपने गूगल पे जैसे ही जाना तो यहाँ पे अबासिन लिखना है, ठीक है, अबासिन यूनिवर्सिटी, ठीक है। बासिन यूनिवर्सिटी जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का एक फेज आ जाएगा, लेआउट आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले ऊपर वाली क्लिक करना है एडमिशन पे, ठीक है, जो ऊपर वाली वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनको ये नोटिस है खास तौर पर, ठीक है। और क्या जो तो ये देख लें, फाइनल टर्म एग्जामिनेशन ऑफ द स्प्रिंग सेमेस्टर विल बी कमेंस ऑन द, ये उनके लिए ये है आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये आपके पास एडमिशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये एडमिशन है, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का, अप्लाई ऑनलाइन ही हो सकता, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ उन लोगों ने ये बताया कि जैसे उनकी पॉलिसी है, आपको मैं दिखाऊंगा भी, एक फॉर्म भी ओपन करके दिखाऊंगा, जैसे कि ये सेकंड वे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन डब्ल्यू उनकी अपनी वेबसाइट और नीचे दिए गए डाउनलोड एंड प्रिंट एडमिशन फॉर्म एंड सेंड ड्यूली फिल्ड विद फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट टू एडमिशन ऑफिस। आपने ये फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने फिल करना है, फिल करके यूनिवर्सिटी में सेंड करना है। थ्रू आपने टीसीएस भी सेंड कर सकते हैं या कोई किसी और प्रोसेस के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, कोरियर के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, या इनका नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ आपने डाउनलोड में जैसे जाना तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है एडमिशन का फॉर्म की, ठीक है, एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करने की। तो आपने इस पर क्लिक करना, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, ये प्रोस्पेक्टस है साथ में एंट्री टेस्ट के वाले से, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपने लैपटॉप के आईडीएम में जाना या मोबाइल का आपके पास है तो उसमें आईडीएम में जाना, आपने आईडीएम ओपन करना है। तो आईडीएम जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको सारी डिटेल, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसके अंदर सारी डिटेल होगी और डिटेल के अंदर आपने बताना होगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बासिन यूनिवर्सिटी है, ऊपर सबसे पहले आपने एक पिक्चर अपनी देनी है, उसके बाद एडमिशन सेमेस्टर न्यू ईयर आपने सारा ये बताना है, एप्लीकेंट जो अप्लाई करना चाह रहा है उसका नाम, एप्लीकेंट का शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल इसके अंदर है, आपने इसके अंदर सारी डिटेल देनी, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हो आपने वो आपकी जो रियल है वो आपने पुट करनी है, ठीक है। यहाँ आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका मेल है, जेंडर है, आपने डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देखना, उसके बाद फादर नेम, गार्डियन नेम आपने, मतलब अगर खुदा ना खास आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो अपने गार्डियन नेम की जो आपके सरपरस्त है उनका नाम देना, उसके बाद पोस्टल एड्रेस देना है, उसको परमानेंट करंट जो है आपका वो भी देना, आपने एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट, एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट आपने अपना मोबाइल नंबर देना, ई मेल देनी, उसके बाद फादर या गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आपने वो स्टडी के हवाले से बताना है, ठीक है। एसएससी मतलब आपने मैट्रिक की स्टडी की है या ओ लेवल की है वो आपने बतानी है, सारा उसके नंबर, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, सारा कुछ बताना, मेजर सब्जेक्ट्स बताने, ठीक है, लिखना है आपने हाथ से। उसके बाद बैचलर आपने किया या क्या क्या किया वो आपने वो सारा इसमें बताना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये नीचे अंडरटेकिंग है, ठीक है, आपने ये अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देना है, वो आपने ये पढ़ लेना ध्यान से क्या वो आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कौन कौन से प्रोग्राम चूज करना चाह रहे हैं, इसमें से आपने 5-6 सेलेक्ट कर देना जो आप चूज करना चाह रहे हैं, अगर आपका एक पे मेरिट नहीं होता तो दूसरे पे लाजमी इंशाल्लाह तआला हो जाएगा। उसके बाद हु शैल पे फॉर योर एजुकेशन, आपके एजुकेशन के लिए कौन पे करेगा,
आपके गार्डियन, आप सेल्फ खुद पे करेंगे या अदर कोई पे करेगा या आपके पेरेंट्स पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि आपने ये डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। क्या कह रहे हैं, मार्कशीट ऑफ द ऑल प्रीवियसली कंप्लीटेड एकेडमिक वर्क, आपने जितने भी एफएससी के या मैट्रिक के जितने भी एग्जाम दिए हैं आपने वो साथ अटैच करने हैं। उसके बाद इफ कैंडिडेट हैव कंप्लीटेड प्रीवियस एकेडमिक वर्क फ्रॉम अदर एजुकेशन सिस्टम, एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड कमेटी चेयरमैन इज रिक्वायर्ड विद इन टू ऑफ द मंथ एडमिशन ऑफर, ठीक है। अगर आपको दूसरा जैसे कि पार्ट टू के जो लोग हैं उन लोगों ने भी एडमिशन पेपर नहीं दिए, ठीक है, प्रमोट हो चुके हैं और एफएससी के बेस पे फर्स्ट ईयर के बेस पे उन लोगों ने अप्लाई करना है तो वो बता सकते हैं, ठीक है। एक अलहदा एक फॉर्म लेके उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म उसके नीचे ऊपर लिखे सारा कुछ बता सकते हैं कि ये रीज़न है, ठीक है, इस वजह से हम फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट वेटिंग में है, या दूसरा हमें प्रमोट कर देगी, सारा उसमें बता सकते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आप तीन चार पासपोर्ट टाइप अपनी पिक्चर अटैच कर दें ऊपर फ्रंट पे, कॉपी ऑफ द कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म, अगर आपके आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है तो आपने वो साथ उसकी पिक लगा देनी है, उसके साथ आपका बे फॉर्म है तो बे फॉर्म की लगा देनी है। उसके बाद फॉर ऑफिशियल यूज, ये आपने फिल नहीं करना, ये ऑफिशियल यूज के लिए है, ये वो खुद यूज करेंगे। तो यहाँ तक आपके साथ ये वीडियो थी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्कॉलरशिप के वाले से, इंटर्नशिप के वाले से, जॉब्स के वाले से, इसास प्रोग्राम के वाले से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है आपको इसके चैनल से मिले। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।